नमस्कार जी, कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के 9वें और आखिरी दिन माता सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा की नवी शक्ति देवी सिद्धिदात्री की उपासना करने से भक्तों को सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। देवी सिद्धिदात्री को माँ सरस्वती का भी एक रूप माना जाता है, क्योंकि माता अपने सफेद वस्त्र एवं अलंकार से सुसज्जित अपने भक्तों को महाज्ञान एवं मधुर स्वर से मंत्रमुग्ध करती हैं। सिद्धिदात्री माँ की उपासना के बाद ही अगले दिन दशहरा त्योहार मनाया जाता है। देवी सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य है। देवी की चार भुजाएं हैं। दाई भुजा में माता ने चक्र और गदा धारण किया है और बाई भुजा में शंख और कमल का फूल है। माँ सिद्धिदात्री कमल आसन पर विराजमान रहती हैं। माँ की सवारी सिंह है। माँ की आराधना वाले इस दिन को रामनवमी भी कहा जाता है और शारदीय नवरात्रि के अगले दिन अर्थात 10वें दिन को रावण पर राम की विजय के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको माँ को किस प्रकार खुश करना है ये भी जान लें। सबसे पहले आपको नहाना धोना है, उसके बाद आपको माँ के सामने लाल कपड़े पहनकर जाना है और माँ से प्रार्थना करनी है, माँ मेरे सारे कष्ट मेरे सारे दुख दूर करके मुझे संपत्तिशाली बनाओ और मेरे को सुख और शांति प्रदान करो। फिर उसके बाद माता को ज्योति दिखानी है, धूप दिखाना है और फूल चढ़ाने हैं, फल चढ़ाना है। पूजन विधि इस प्रकार करें। इस दिन माता सिद्धिदात्री को नवा प्रसाद, नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। सर्वप्रथम कलश की पूजा व उसमें स्थापित सभी देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात माता के मंत्रों का जाप कर उनकी उपासना करनी चाहिए। इस दिन 9 कन्याओं को घर में भोग लगाना चाहिए। 9 दुर्गाओं में सिद्धिदात्री अंतिम है तथा इनकी उपासना से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर 9 साल तक होनी चाहिए और इनकी संख्या कम से कम 5, 7, 9 होनी चाहिए। यदि 9 से ज्यादा कन्या भोजन पर आ रही हैं तो कोई आपत्ति नहीं, उन्हें भी आप भोजन करा सकते हैं। इस तरह से की गई उपासना से माता अपने भक्तों पर तुरंत खुश होती हैं। भक्तों को संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भक्तों को अपना सारा ध्यान निर्वाण चक्र की ओर लगाना चाहिए। यह चक्र हमारे कपाल के मध्य में स्थित होता है। ऐसा करने से भक्तों को माता सिद्धिदात्री की आराधना करने से उनके निर्वाण चक्र में उपस्थित शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री का पूजा मंत्र भी आपको मैं बता देती हूँ। जब आप भगवान की पूजा घर में बैठे तो आप 108 बार माता का ये मंत्र जरूर बोले। सिद्ध गंधर्व यक्षा घेर सूर्य मरे रपि सेवा यमाना सदा भूयात सिदिदा सिदिदायिनी। देवी का बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमो नमः। माँ सिद्धिदात्री की उपासना में
हवन करने के लिए दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोकों का प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से माता की पूजा करके माँ को आप पूरी तरह से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपकी शक्तियाँ चाहते हैं, माँ से चाहते हैं कि आपको हमेशा शरीर में स्वस्थ आपका रहे, सेहत आपकी अच्छी रहे, तो माँ से आप प्रार्थना कर सकते हैं। देवी दुर्गा के इस अंतिम स्वरूप को नव दुर्गा में सबसे उच्च कोटि का माना जाता है। भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इनकी कृपा से ही महादेव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव पुराण के अनुसार जब सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने देखा, उन्होंने जिस ब्रह्मांड की रचना की है उसमें विकास की गति नहीं है। उन्होंने पाया कि पशु पक्षी और मनुष्य की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कहा जाता है कि तब आकाशवाणी के अनुसार ब्रह्मा जी ने मैथुनी प्रजननी सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प किया। ब्रह्मा जी ने जब इस बारे में भगवान विष्णु से पूछा तो उन्होंने महादेव की आराधना करने को कहा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने शक्ति के साथ शिव को संतुष्ट करने के लिए तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से परमात्मा शिव संतुष्ट हो अर्धनारीश्वर के रूप धारण कर उनके समीप गए तथा अपने शरीर में स्थित देवी शक्ति के अंश को पृथक कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उस परम शक्ति की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर शक्ति ने अपनी प्रकृति के मध्य से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति की सृष्टि की, जिसने हिमालय की पुत्री पार्वती रूप में जन्म लेकर महादेव से मिलन किया। माँ सिद्धिदात्री को विद्या की देवी माँ सरस्वती का भी स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि में जिन देवियों के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है, उनमें माँ सिद्धिदात्री को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इन्हें संपूर्णता की देवी भी कहा गया है। वैसे तो माँ सिद्धिदात्री की उपासना कभी भी की जा सकती है, लेकिन नवरात्रि के नौवे दिन को श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा से इनकी उपासना करने वाले भक्तों को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। दुनिया में कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं रहता। माँ की कृपा से साधक में सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य आ जाती है। कहा जाता है कि साधारण मनुष्यों के अलावा ऋषि मुनि और देवता भी हर काम में सक्सेस प्राप्त करने के लिए माँ सिद्धिदात्री की उपासना साधना करते हैं। माँ सिद्धिदात्री की साधना से लोगों के सभी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इनकी पूजा और उपासना विद्यार्थियों के बहुत ही लाभकारी बताई गई है। सभी विद्याओं में सक्सेस और श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक होता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात यही बताऊंगी कि माँ सिद्धिदात्री, जैसे आप सोचते हैं कि करोड़पति लोग कैसे हो जाते हैं, तो करोड़पति लोग तभी होते हैं जब माँ के इस प्रकार से पूजा उपासना दोस्तों करते हैं। इस प्रकार से आप माँ की उपासना करें, शक्ति प्राप्त करें, माँ से बोले, हे माँ, मेरी हर इच्छाएं पूरी हो, मेरी हर मनोकामना पूरी करें, जो भी मन में विचार आए वो तुरंत मेरी पूरी हो जाए, तो माँ जरूर पूरी करती है। माँ बहुत शक्तिशाली है दोस्तों। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।